शहरों से 500 रुपए बड़े शहरों में 500 रुपए के, छोटे शहरों में 250, छोटे शहरों में 250 के। और ये चीनी तकरीबन कितने रुपए की इस्तेमाल हुई है इसमें? 20 रुपए 20 रुपए की चीनी इस्तेमाल हुई है। और ये आप लोग नाज़रीन देख सकते हैं, 250 रुपए की अगर आप छोटे शहर में हैं तो 250 रुपए के आप लोगों के ये लच्छे सेल होंगे, और अगर आप बड़े शहर में हैं तो यही 20 रुपए की चीनी जो है 500 रुपए में कन्वर्ट हो चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर बकायदा देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लोग जो अपनी स्क्रीन पर दो मशीनें देख रहे हैं, यकीन जानिए नाज़रीन, ये दोनों मशीनें आप लोगों की जिंदगी को टोटल चेंज करके रख सकती हैं। ये दोनों मशीनें कमर्शियल हैं और इनसे लच्छा बनाया जाता है, जिसको आप लोग कॉटन कैंडी कहते हैं। पाकिस्तान के बाज इलाकों में इसको गुड़िया के बाल भी बोलते हैं। तो जनाब, ये दोनों मशीनें कमर्शियली तौर पर इस्तेमाल होंगी। अब इन दोनों मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हम लोगों ने रियाज भाई को बुलाया है, जिनका तकरीबन 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है लच्छा बनाने का। तो हम इनसे इंशाल्लाह इन दोनों मशीनों को ऑपरेट करने का मुकम्मल तरीका कर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आप लोगों को यह भी बताएंगे कि 1 किलो चीनी से कितने लच्छे आप लोग बना सकते हैं। पहले जनाब, अभी हम लोग पूछ ही लेते हैं रियाज भाई से कि 1 किलो चीनी से कितने लच्छे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, क्या हाल है? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है? 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है लच्छे बनाने का। 1 किलो चीनी से कितने लच्छे आप बना सकते हैं? बड़े लच्छे 80, छोटे लच्छे 150। 150 लच्छे आप बना सकते हैं? लोग कहते हैं झूठ हो सकता है, निकाल कर दिखाएंगे आप? लोग ये भी कहेंगे कि ये फेक है, झूठ है, फ्रॉड है। आप तकरीबन 20 से 25 साल तकरीबन 150 लच्छे बनाते आ रहे हैं। चलें, अभी हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको प्रैक्टिकली आप प्रूफ करके दिखाएं कि वाकई में ये मशीन तकरीबन छोटे 150 और बड़े 80 लच्छे बनाएगी। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को नाज़रीन यहां पर बताता चलूं कि ये बड़ी मशीन है और ये है छोटी मशीन। दोनों कमर्शियली तौर पर यूज होती हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला फर्क तो यह है कि इसका टब बड़ा है, इसका टब छोटा है। इसका पुर्जा बड़ा है थोड़ा सा, इसका पुर्जा थोड़ा सा छोटा है। अब ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये फट्टी बारीक लगी हुई है, इसकी फट्टी मोटी है। और अगर हम लोग बात करें मोटरों की, तो जनाब दोनों मशीनों की मोटरें सेम है। इसमें भी आधे हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है और इस मशीन के नीचे भी आधे हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। आप लोगों ने सिर्फ इसमें से कोई भी मशीन खरीदनी है और उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्शन शुरू करनी है। तो चले रियाज भाई, शुरू करें आप। रियाज भाई, तकरीबन कितने मिनट तक आग लगाने के बाद वेट करना चाहिए कि पुर्जा गर्म हो जाए? 5 मिनट तक इस पुर्जे को आप लोगों ने नाज़रीन गर्म होने देना है। और कौन सी ट्रिक आप बताएंगे हमारे देखने वालों को कि ये पुर्जा पता चल जाए वाकई में ये गर्म हो गया? अंदर चीनी डाली आपने नाज़रीन, आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी सी चीनी इसके अंदर डाल देनी है। जब चीनी पिघलना शुरू हो जाए तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि अब ये पुर्जा गर्म हो गया है। जी तो जनाब, पुर्जा हो चुका है गर्म और अब स्विच ऑन करने लगे हैं। ये जनाब चलने लगी है मशीन।
जी रियाज भाई, मशीन बंद हो चुकी है, थोड़ी सी चीनी आपने डाली है, कितने लच्छे आपने तैयार कर लिए हैं? 50 लच्छे आपने तैयार कर लिए हैं। कितने रुपए के तकरीबन लच्छे सेल होंगे? बड़े शहरों में 500 रुपए के। बड़े शहरों में 500 रुपए के, छोटे शहरों में 250, छोटे शहरों में 250 के। और ये चीनी तकरीबन कितने रुपए की इस्तेमाल हुई है इसमें? 20 रुपए की चीनी इस्तेमाल हुई है। और ये आप लोग नाजरीन देख सकते हैं, 250 रुपए की अगर आप छोटे शहर में हैं तो 250 रुपए के आप लोगों के ये लच्छे सेल होंगे, और अगर आप बड़े शहर में हैं तो यही 20 रुपए की चीनी जो है 500 रुपए में कन्वर्ट हो चुकी है, आप अपनी स्क्रीन पर बकायदा देख सकते हैं। अब हम लोग नाजरीन बात करते हैं इन मशीनों की कीमतों की। तो ये जो जंबो साइज की बड़ी मशीन है, इसकी कीमत है 35,000 रुपए, और इस मशीन की कीमत है 30,000 रुपए। अगर आप लोग इन दोनों मशीनों में से कोई भी मशीन खरीदना चाहते हैं तो जनाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यूनिक बिजनेस आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।